ठीक है, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग मेल एंड फीमेल। अब जैसे लेफ्टी है नीरज जी, तो लेफ्टी के लिए अगर ये लेफ्ट में वॉच पहनते हैं तो ये मेल पर्सन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और अगर राइट हैंड में पहन रहे हैं इसका मतलब फीमेल पर्सन के साथ ज्यादा इनका इंटरेक्शन होगा। अब छोटा सा मैं क्लू बता देता हूँ एक, अगर कभी भी आपको किसी भी सरकारी ऑफिस में जाना है अपना काम करवाने, ठीक है, और वो ऑफिसर अगर मेल है तो आप राइट हैंड में वॉच पहन के जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर वो सरकारी ऑफिसर फीमेल है तो लेफ्ट में पहन के जाइए। मतलब किसके साथ आप काम कर रहे हैं या किससे आपका काम बनेगा उस अगर वो हिसाब काम से आप कर करवाना है सकते। सर तो कितने दिन पहले से लेफ्ट में पहनना शुरू करें? तुरंत पहन के जाएंगे तुरंत काम हो जाएगा? मीन्स एक फ्रीक्वेंसी सेट होगी ना सर कि लगातार हम लेफ्ट में पहन रहे तो फ्रीक्वेंसी सेट होने में टाइम लगता हाँ है। वो तो टाइम लगता ही है, अगर जैसे आप पहने हुए हैं और वो घड़ी आपके साथ बहुत अच्छे से सिंक हो चुका ऑलरेडी, लेफ्ट वाला लेफ्ट यूज कर रहे, राइट वाला राइट यूज कर रहे, तो उस हिसाब से अगर आप रेगुलर पहन रहे हैं और अपना काम बनाना चाहते हैं तो आप इमिडिएटली शिफ्ट करके कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर घड़ी नहीं पहनते हैं, बीच बीच में पहनते हैं, तब आपको कम से कम 3 दिन पहनना पड़ेगा, कम से कम 3 दिन, ठीक है, 72 घंटे आपके बॉडी के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो एक्शन दिखाएगा। सर सर मीन्स कोई तो नुकसान तो नहीं है सर राइट में पहनना? मतलब कोई कोई नुकसान नहीं है, यूटिलिटी मैंने बोला ना, देखो जी जितने भी घड़ी है सबका अपना अपना मीनिंग है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा एड में, वो सुधीर कुबेर साहब बताते हैं, ठीक है, बताते ना कि आप लोगों को पता है कि काली घड़ी नहीं पहननी चाहिए, यस सर बताया ना, डराया ये बात, लेकिन उन्होंने उसका भी बहुत अच्छा यूज है, बहुत टिपिकल यूज है। एक ही चीज बताई कि जब जो इसका हायर अथॉरिटी रहता है जैसे कलेक्टर एसपी डीएसपी वही सब ब्लैक वॉच पहन सकते हैं, मुख्यमंत्री सीएम इन लोग ही पहन सकते हैं करके ब्लैक वॉच को वही बोलते ब्लैक हैं कलर सोफिस्टिकेशन को दिखाता है, सोफिस्टिकेटेड लोग या ऑथोराइज्ड लोग पहनते हैं ये। जी। उसके अलावा हम दूसरे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए ब्लैक बहुत अच्छा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनियादारी से कट के रहें, आप चाहते हैं कि कुछ टाइम अपने आप के साथ अकेले बिताएं, एक जी ब्लैक वॉच पहने और चुपचाप किसी जगह पर आइसोलेट हो जाए, फोन वोन ऑफ कर दें, देखिए फिर आप अपने आप के साथ कितने खुश रहे। तो हर चीज का अपना अपना यूटिलाइजेशन है, ओके हर सर एक बेल्ट का, हर एक कलर का, हर एक डायल का अपना अपना तरीका है, अपना अपना मीनिंग है, किस टाइम पे कौन सा वॉच पहने। जैसे कई लोग देखेंगे, कई लोगों के घर में मतलब अपना कलेक्शन, कई लोग ना रिस्ट वॉच कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वॉच ही अपने पास रखें, ठीक है, उससे ज्यादा ना रखें। ज्यादा वॉचेस रखने पे वो इफेक्ट करते हैं, अगर आप सारे वॉचेस को डे बाय डे चेंज करके पहनते हैं और सारे वॉचेस आपके साथ कनेक्टेड हैं तो फिर आपके लाइफ में हमेशा ना वो रहेगा, मतलब डिलेमा बना रहेगा कि क्या करें नहीं करें, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप किसी चीज के प्रति बहुत पर्टिकुलर है कि मुझे ये इस तरह की चीजें अच्छी लगती है, ये पहनना सही है, तो आप रख सकते हैं, हार्डली बहुत ज्यादा हुआ तो आप 4 कलेक्शन रखें, 4, उसके ऊपर ना जाए, ठीक है। और तो बीच वो भी मैं लास्ट जगह में, कोर्स के लास्ट में ये बता दूंगा कि जैसे अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप कितने टाइप के वॉचेस अपने पास रख सकते हैं ताकि आप जब जो चाहें वो काम जो है बनवा सके, मना सके, अपने हिसाब से करवा सके। सर कोई लोग घड़ी में जैसे गिफ्ट आपने करते कहा हैं ब्लैक कोई घड़ी लकड़ी। मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है, तो क्या हम आइसोलेट ना होते हुए डेली प्रैक्टिस जब मेडिटेशन का करते हैं सिर्फ वो 1 घंटे के लिए हम ब्लैक पहने तो चलेगा? चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। सर एक ब्लैक, क्वेश्चन है हाँ मैं बताता हूँ, ब्लैक जो है ना, सर एक मिनट रुकिए, ब्लैक जो है ना, हाँ दिनेश जी आप ही के लूंगा मैं, एक मिनट रुकिए। ब्लैक जो है ना, सबसे पहला काम क्या करता है, ब्लैक आपको हर मतलब दुनियादारी से कट कर देता है, कट। जो बच्चे बहुत ज्यादा दोस्ती यारी में सोशल लाइफ लाइफ जिन वो करते हैं, क्या कहते हैं, अरे दोस्त मिल गए, लग गए वहां पर गप्पे मारने, लग गए घूमने फिरने के लिए, जो बच्चे घर में नहीं बैठते, स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको आप ब्लैक वॉच दिला दो, वो धीरे धीरे दोस्तों से हटे हट जाएंगे, कट जाएंगे, और अपने घर में, अपने पढ़ाई में, अपने अपने ऊपर फोकस कर लेंगे ज्यादा, ठीक है। हाँ दिनेश जी बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप। जी। सर आपने बताया था कि अभी जैसे मान ले किसी ऑफिस में गए, अगर हाँ वो मेल पर्सन है तो हमें राइट हैंड है और राइट हैंड में ही पहनना चाहिए, तो राइट, एक बार थोड़ा क्लियर करना है, समझ में नहीं आया। जैसे अगर वो ले, 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 हम लेडीज सामने बैठे हैं तो उस
क्या उस वक्त कौन उस सा वक्त है? आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम नॉर्मली जानते हैं राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट हैंड होता है पिंगला नाड़ी, राइट, हाँ जी बीच में राइट होता है सुषुम्ना, जी ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी पे जब हम घड़ी पहन रहे हैं तो हमारा सूर्य तत्व एक्टिव होगा, जी जी हाँ ठीक है। सूर्य तत्व जब एक्टिव होगा, आपको पता है कि अगले से कैसे बात करनी, उससे बहुत क्लियर कट खड़ी बातें करना है। लड़कों के साथ जो बातें डील होती है ना, वहां घुमा फिरा के बातें नहीं होती, टू द हाँ जी पॉइंट होती है। जी हाँ जी लेकिन जब आप फीमेल के साथ डील कर रहे हैं तो आप कभी भी घुमा एकदम से कड़वा या सीधा नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा सॉफ्ट हो हाँ जाएंगे, जी हाँ जी हाँ जी समझेंगे हाँ चलो फीमेल से बात करें, थोड़ा हम अपनी बात में बातचीत में कामनेस रखें, हाँ जी नहीं हाँ तो जी उनको हर्ट हो सकता है। इस वजह से हम जब फीमेल से बात कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। नॉर्मली 70% लोग, 72% लोगों को आप बाएं हाथ में ही पहनते हुए देखेंगे लेफ्ट हैंड में, और थोड़े से वो लोग इमोशनल भी होते हैं और उनका फेमिनाइन साइड जो है ज्यादा एक्टिव होता है, और हाँ वो जी ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड ही मिलेंगे आपको, 70% लोग। हाँ जी जी मानव जी दूसरा कुछ पूछ रहे थे, पूछे। सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ जैसे राइट हैंड हूं मैं तो मुझे कौन से हैंड में घड़ी पहननी चाहिए? आपके आपके आप जहां पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पर मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा है? मिक्स है, मेल ज्यादा है, मिक्स है मतलब नहीं मिक्स है, फिर भी कोई तो ज्यादा होगा यार, ऐसे थोड़ी मेल होता है। ज्यादा है। मेल ज्यादा है तो आप राइट में पहन के यूज कीजिए, तो मेल लोगों के साथ ज्यादा आपका कनेक्शन बैठे बनेगा। अगर आप चाहते कि नहीं आपका काम जिनसे बनता है उसमें फीमेल ज्यादा है, तो लेफ्ट में पहन के रखिए। ठीक है थैंक यू। फिर लेडी लेडीज को कैसे पहनना चाहिए सर? लेडीज को, मैडम आप क्या, आपके दोस्त यार कैसे हैं, लेडीज मेरे तो वाले ही हैं? सभी तरह के दोस्त हैं मेरे नहीं नहीं तो। तो काउंट करो ना मैडम, कितने लड़के दोस्त हैं, कितने वो नहीं दोस्त मैं हैं। तो अब एज वाली हूँ, 76 ईयर हूँ, हाँ तो मेरे दोस्त हो गए। आपके सारे जितने भी होंगे वो फीमेल्स ही होंगे, तो आप लेफ्ट यूज ओके करो। मैं तो लॉजिक समझा रहा हूँ ना, लेडीज नहीं और मेल की बात मत लगाओ, मैं लॉजिक अच्छा बता रहा हूँ। नहीं नहीं मैं तो राइट पहनती हूँ सर, मैं राइट में पहनती हूँ इसीलिए आपको पूछ रही हूँ आप हमेशा राइट में से। पहनती है तो फीमेल के साथ बहुत सीधा सीधा बात करती है ना, आप लेफ्ट ओके में जब बात करेंगे देखिएगा आपकी फीमेल फ्रेंड ज्यादा बन जाएंगी। सर, व्हाइट हाँ आई का क्या इफेक्ट होता है सर? एक मिनट, मानव जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं गोल्डन वॉच पहनता हूँ, लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ, और इसमें डायल भी उसका मोस्टली गोल्डन ही रखते हैं, येलो रखता हूँ, तो क्या गोल्डन बेनिफिशियल रहता है? अच्छा है, गोल्ड कलर जो है, गोल्ड सिल्वर ये सोफिस्टिकेशन को दिखाता है, और ठीक सर है, एक बात बताइए, अमीरी को जैसे ये दिखाता है, कहते, लग्जरी को दिखाता है। और एक बात और बताइए कि जैसे लेफ्ट हैंड पहनते हैं तो ये क्या मतलब किसी हाउस से भी रिलेटेड होता है, थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस, जैसे कुछ कुंडली के नहीं हिसाब से? ऑब्वियसली कुंडली, कुंडली के साथ देखिए, थर्ड हाउस क्या है, पांचवा है ना, पराक्रम बढ़ा रहा है ना तब, हाँ थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है, आपका एफर्ट बढ़ जाता है जब आप घड़ी पहनते हैं ना। अभी मैंने क्या बताया, घड़ी पहनने वाले के पास उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो दमखम लगाता है, प्रयास, थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है जब हम घड़ी पहनते हैं। ठीक है सर एक बात और, अब मैंने ना बहुत टाइम से, कई सालों से यही एनालॉग ही पहन रहा हूँ, तो लेकिन अब थोड़ा मन कर रहा है कि ये आजकल जैसे फास्टर वॉच, स्मार्ट वॉच आ रही है, तो मैं आपका उसमें काम बदला करना कैसा चाह है, रहा हूँ। तो आपका काम सिर्फ क्रिस्टल और जेमस्टोन का है क्या? मैं फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ साइड बाई साइड, ये थोड़ा एक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ, ओके तो जॉब करता हूँ मैं, जॉब जॉब का फंक्शन क्या है? फैब्रिक देखता हूँ, इंचार्ज हूँ इंचार्ज। बस तो नहीं मत पहनो, आप डिजिटल वॉच मत पहनो, आप जैसा हो, सर गोल्ड अच्छा है फैब्रिक के लिए, गोल्ड बहुत अच्छा है, तो आप मत जाओ, प्रोफेशन के मेरे हिसाब से उसने गोल्ड बहुत पहले अच्छा है। कुंडली में ना जुपिटर थोड़ा वीक है, तो उसी हिसाब से मुझे बोला जितना आप मोस्टली गोल्ड यूज कर सकते हो वो मैक्सिमम हाँ करें, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, आपने आप इसको छोड़ के मत जाओ कहीं भी, जब भी लेना हो गोल्ड लेना। और ये सर ऐसे आजकल स्मार्ट वॉचेज में भी गोल्ड वॉच आ गए हैं डायल के साथ, सिर्फ अंदर का जो वो है, नहीं जाऊंगा यही जलने दे। तो अरे एक सर चीज और समझो ना समझा, बात को, अंदर क्या पड़ा है, जो हम एनालॉग पहन रहे हैं वहां पर मैकेनिकल पार्ट्स हैं, और जो हम हाँ डिजिटल पहन रहे हैं मशीनरी है। वहां चिप है, सिलिकॉन चिप के अलावा क्या है उसके अंदर, कोई अच्छा मैकेनिकल एक चीज पार्ट और तो नहीं सर, है। हाँ सर एक चीज और, जैसे मैं मोस्टली जैसे हाथ से ना पसीना बहुत आता है, तो 6 महीने या 7 महीने बाद ना पसीने की वजह से ना उसका जो चेन होती है वो बहुत मतलब रफ हो जाती, खराब हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ 6 महीने साल घड़ी यूज की, उसके बाद जाके उसे सेल करके मतलब कुछ वो करके नई ले आता हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि हम घड़ी सेल कर सकते हैं? नहीं, फिर घर हाँ वाले बिल्कुल बताते हैं कि सेल कर घड़ी सकते हैं ना, सेल नहीं करनी सेल चाहिए, कर सकते हैं, बिल्कुल सेल कर सकते हैं, मैंने अभी मैं बोला सेल ना। करता हूँ वो दिया, दूसरी नहीं ले आया। हाँ तो फ्री का मत बांटना किसी को, दान नहीं देना अपने घड़ी को, नहीं आप सर सेल कर दो, तो मैंने मतलब कुछ पैसे लेके सेल कर दी थी। ठीक बढ़िया बहुत बढ़िया, सेल कर दो। थैंक यू। देवीशीष बोलिए। हाँ थैंक यू सर।
सर ये वॉच को कुंडली से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? डिजिटल वॉच ऑरेंज फ्लिप के साथ, ऑरेंज पट्टी के नहीं साथ होता कर ना। सकते? अरे मैडम मैंने क्या बोला, मैंने एनालॉग के साथ कनेक्ट किया था, इसलिए एनालॉग पहनने ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा सही रहता है। डिजिटल के साथ कुंडली को मैच मत कीजिए, तब डिजिटल पूरी तरह से राहु हो जाता है, यहाँ पे रूल ही उसी का चलता है। इसलिए मैंने बोला अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इंटरनेट में 24 घंटे में से 20 घंटे घुसे हुए रहते हैं और वहीं से आपका इनकम आता है, तभी आप डिजिटल वॉच पहन, अदरवाइज नहीं। अच्छा, और कोई डिजिटल लोग ये वॉच, बोलते हैं, डिजिटल वॉच जो है ना वो पूरी तरह से प्योर राहु है और कुछ नहीं है, वहां ना शनि काम कर रहा है ना सूर्य काम कर रहा है, वो प्योर राहु है। एज आपने बताया कि डिस्पोज 10-20 रुपया लेके कर दो या तो जमीन जमीन में पे गाड़ नीचे गाड़ दो। दो। ओके, और दूसरा सर, अगर कोई गिफ्ट करता है हमको तो वो लेना ठीक है किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गिफ्ट में कोई इशू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बट कोई अगर गलती से ब्लैक कर देना, उसको रिटर्न कर देना या उसको पैसे दे देना, 10 रुपए या 20 रुपए दे घड़ियां, देना। घड़ियां दान ब्लैक देनी चाहिए कि नहीं चाहिए दें? किसी को नहीं, गिफ्ट करें कि नहीं करें घड़ी? वही मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ब्लैक बताओ। घड़ी ना तो आपने किसी को गिफ्ट करनी है और ना ही आपने किसी से गिफ्ट लेनी है। ब्लैक घड़ी, ब्लैक के ओके अलावा सब घड़ी आप ले सकती हैं और दे भी सकती हैं। ओके। और डिजिटल थैंक यू वॉच सर। दे सकते हैं गिफ्ट? वो छोटे छोटे बच्चे पता है गिफ्ट का, हाँ दस बारह डिजिटल डिजिटल साल वॉच के दे सकते हैं, दे सकते गिफ्ट कर सकते हैं। लाइक हैं। पहनने ठीक, में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं पहनने में कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक पहनने का काम बताए, अगर आप बहुत ज्यादा किसी रिसर्च वर्क में घुसे हो, आपको नहीं चाहिए ज्यादा डिस्टर्बेंस, तो ब्लैक पहन लो। किसी चीज पे बहुत हाइपर फोकस मोड में आपको जाना है, जैसे मैं यूज करता हूँ, देखो ये मेरा यूज करने वाला घड़ी है, ये स्मार्ट वॉच है क्योंकि अपना काम ही ऑनलाइन है और पूरा ब्लैक है, और ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने गिफ्ट दिया था, मैंने तुरंत, मेरे पास रिसीव हुआ, उसने बताया नहीं मुझे, सरप्राइज दे रहा था, रिसीव हुआ, मैं घड़ी तो ऑर्डर नहीं किया, उसके फोन में अमेजोन में गया मैसेज कि योर पैकेज हैज बिन डिलीवर्ड, तो मेरे को फोन करता है भाई सरप्राइज पसंद आया, मैंने बोला पसंद तो आया बेटा लेकिन तूने गलती कर दी, ब्लैक दे दिया मुझे। ठीक कितना लिया, बोले इतना लिया, नहीं यार मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा। ठीक है तू 20 रुपए ले ले, रख ले, मैं तेरे से खरीद रहा हूँ, तू मुझे ब्लैक गिफ्ट नहीं करा, मैंने उसको उससे 20 रुपए देकर ये खरीद लिया। तो ये हाइपर मोड में जाना है, मुझे किसी चीज पे रिसर्च करना है, मुझे नहीं चाहिए डिस्टर्बेंस, मुझे कोई कंटेंट बनाना है, वीडियो शूट करना है, शूट के लिए पॉडकास्ट करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किसी एक टॉपिक के पीछे, रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा तो मैं सब कुछ छोड़कर फोन को साइड करके, साइलेंट करके ये घड़ी पहनो और पढ़ने बैठ जाओ, रिसर्च करने बैठ जाओ, नो बडी विल डिस्टर्ब, आपके कॉल आने कम हो जाएंगे, जो भी सराउंडिंग्स में डिस्टर्ब कर, इवन आप अपने घर में अगर बच्चे हैं आसपास या वाइफ है या हस्बैंड है, बहुत ज्यादा लोग हैं, वो सब साइड हो जाएंगे, आप पूरी तरह से हाइपर मोड में रहेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, ये उसी काम के लिए, बस जब वो काम कंप्लीट हो जाए फिर इसको निकाल के रख दो, फिर आप नॉर्मल मोड में आ जाओ ओके एक सर, तरह। रोमन सर नंबर्स, व्हाइट का क्या यूज होता है? सर रोमन वही तो नंबर्स पढ़ेंगे ना, कलर अभी पढ़ लोगे क्या? तो व्हाइट देखो कलर क्या होता है, व्हाइट कलर शुक्र का होता है और चंद्रमा का होता है, व्हाइट कलर एक्सेप्टेंस का होता है, तो आप जब व्हाइट पहनेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उदार बन जाएंगे, सबकी बातें सुनेंगे, सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगी। और हाँ घर के एस्ट्रोलॉजर अंदर कौन सा कलर पहनना चाहिए इसमें, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को? अरे अभी पढ़ेंगे ना सर, वही तो पढ़ेंगे, आप हाँ पहले ही दिन सर, में एस्ट्रोलॉजर वाला जान लोगे आपकी कुंडली में क्या है, नहीं है मुझे नहीं पता ना। घर के हाँ अंदर अगर वॉल क्लॉक लगा है और रोमन नंबर्स है और गोल्डन है, घर में रोमन नंबर यूज नहीं करना चाहिए, ओ उससे क्या होता है सर रोमन नंबर्स उस से? उससे आपका फालतू का टाइम वेस्ट करने लोग आ जाएंगे, ओके, तो डोंट यूज इट, ऐसा घर के लिए यूज, बिजनेस, वो रोमन नंबर कभी भी घर के लिए नहीं बना है। हाँ बिजनेस क्लास या बिजनेस ऑफिस है ठीक है, या आउटडोर है कहीं पर, अपने एक बड़ा सा वॉच लगाना है फैंसी के लिए, तो आप रोमन नंबर यूज कर सकते हैं, बट घर में नहीं, घर हमारा होता है तमस गुणी, जहां पर हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए, अगर वहां पर या आपने रोमन नंबर लगा दिया तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। पहले घड़ियों में रिश्वत तो रोमन ही होता था सर, पहले हाँ तो फिर देख तो लो, रिश्वत अरे जिसके घर में लगा हुआ है रोमन देख लो ना, उसके घर में कितने फालतू लोग आ रहे होंगे बैठ के, हाँ आपके घर में क्या चल रहा है, आजकल क्या खाना बनाया आपने, हो रहा होगा देखो। आजकल तो और फिगर वाला आ रिश्वत, गया, पर पहले रोमन ही एक एक ज्यादा करके, चलता एक था। एक करके, एक एक करके, सूरज जी एक रिश्वत मिनट तो रुक जाओ, पहन सकते हैं ना? एक मिनट। हाँ रिश्वत पे रिश्वत, रोमन चलता है?
रिस्ट वॉच में रोमन चलता है। हेलो सर, सर, एक बार कंटेंट खत्म कर लीजिए ना, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आए तो। सर इफ इट इज वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम आपका पर्टिकुलर कंपनी के अंडर में काम कर रही है या फ्रीलांसर? फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग। के लिए अच्छा है डिजिटल वॉच। अगर आएंगे बाद में, आते हैं कोई बाद में बिजनेस, फाइन सर, थैंक यू हाँ सर। बाद में आते। इनकेस कोई बिजनेस घर से करता है, फिर उसे कौन सी वॉच लगानी चाहिए घर में? वो पढ़ेंगे ना मैडम आगे, आज ही पढ़ लोगे क्या? आज ही मैं तो वेबिनार में सबको पढ़ा देता हूँ, तो मेरे मेरा वेबिनार करने का मतलब ही क्या हुआ? सबका बताओ, सबका क्वेश्चन पूछो, आज ही सॉल्यूशन करते हैं फ्री में। चलो बांट देता हूँ मैं ज्ञान, चलो आज कंटेंट ही नहीं करते। बोलो। हाँ नहीं सर, कंटेंट बताओ, कंटेंट। तो फोकस ऑन दैट, सीखना है कि खाली अपना ही देख लिया खत्म कर लिया बस हो गया? अगर आपको पास कस्टमर ही नहीं आएंगे तो किसको बताओगे? ये ज्ञान किसको दोगे आप? अकेले ही खा पी के बैठ जाओगे क्या? अब देखो, रिस्ट वॉच टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया वो है उसमें। इसके अलावा रिस्ट वॉच में डायल का अपना इम्पोर्टेंस है, रिस्ट वॉच में कलर का अपना इम्पोर्टेंस है, रिस्ट वॉच क्यों पहनना चाहिए, क्यों एसेंशियल है आज के डेट में, और लाइफ को किस तरह से ये पूरी तरह से फुल मैनेजमेंट देता है। अच्छा एक और चीज बताइए, कितने लोग जो है रिस्ट वॉच पहनने के बाद बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब उनको ज्यादा अच्छा ही नहीं लगता कुछ पहन के रख? कितने लोग हैं ऐसे, कंफर्टेबल होते हैं या बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं होते? मैं तो कंफर्टेबल रहती हूँ, मेरे को तो ओके घड़ी ठीक पहनना बहुत पसंद है, है। जिन पर लोगों को, घड़ियां मैं हाँ बहुत रखती हूँ सर। जिन लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है, अगर वो रिस्ट में नहीं पहन सकते हैं तो अपने पास वो पॉकेट वाला वॉच हमेशा रखें, लेकिन वॉच के बिना नहीं रहना है। रिस्ट वॉच अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, या उन कई लोगों को ना यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, ज्यादा देर तक ना कुछ बंधा हुआ नहीं रख सकते, उन लोगों के लिए पॉकेट वॉच होता है, वो पॉकेट वॉच यूज करें ठीक है। या जैसे डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स नॉर्मली अक्सर क्या होता है सर्जरी ग्लव्स पहनो ये पहनो, तो वो ज्यादा पहन के रख नहीं पाते, तो उनको हमेशा खोल के रखना पड़ता है। अगर आपका प्रोफेशन ही आपको परमिट नहीं करता, इट्स ओके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है घड़ी का जो डायल होता है, ठीक है, घड़ी का डायल जो होता है, कितने तरह के डायल होते हैं घड़ी में? एक गोल, होता है राउंड चौकोर, सर्कल, चौकोर चौकोर होता स्क्वायर, है, रेक्टेंगल शेप होता है, ट्रायंगल रेक्टेंगल होता है, हाँ शेप होता है, ठीक हाँ त्रिभुजाकार कर भी होता है है, ओवल सर। शेप होता है। लेडीज में हाँ तो अभी ओवल और हार्ट शेप्स बहुत कुछ आता है लेडीज में। अच्छा, कितने लोग छोटी घड़ियां मतलब रिस्ट वॉच छोटा पहनते हैं और बड़ा पहनते हैं? किनको छोटा पहनना पसंद है, किनको बड़ा पहनना पसंद है? बड़ा नहीं पहनते हम तो, मीडियम और छोटा पहनते। मैं बड़ा पहनता हूँ सर, सर बड़ी पसंद करते हैं हम तो मुझे भी पहनना। बड़ा पहनना पसंद है सर, मुझे छोटी पसंद है। अभी मुझे फैशन तो भी बड़े पसंद में आ गई है, पर हम नहीं पहनते। है। देखो छोटा, छोटे और बड़े में क्या फर्क होता है, क्यों बता छोटा और दीजिए, बड़ा पहनना चाहिए? बताइए आप। रिस्ट वॉच में अगर आपने बहुत ज्यादा छोटी घड़ियां पहन रहे हैं, उसका एक पैरामीटर है जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, कितना कितना साइज होना चाहिए जो आपको विश फुलफिलमेंट देगा, और कितना साइज आपको जहां था वहीं रखेगा, और कितना साइज आपको और नीचे लेके जाएगा। अगर ओके आप जरूरत से ज्यादा छोटे घड़ी पहनते हैं, यानी आपको यूनिवर्स बहुत सारा देना चाहते हैं और आप कहते हैं भैया हम तो इतने में खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे थोड़ा थोड़ा चाहिए, मैं ज्यादा नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। जी बिग टाइम ना हाँ पसंद है सर। बताइए आपने, अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा लार्ज पहन लिया, इसका मतलब कह रहे हैं यूनिवर्स कह रहे हैं कि ले लो, लेकिन हजम कर पाओगे? आप कह रहे हैं नहीं नहीं कर लूंगा, भेजो तो सही मैं कर लूंगा, ठीक है, तो यूनिवर्स तो भेजता है अपनी तरफ से बहुत सा ज्यादा, आप उसको रिसीव नहीं कर पाते, तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। जो सबसे स्टैंडर्ड वाला होता है वो होता है सबसे मतलब बड़ा साइज और मीडियम साइज के बीच में आता है साइज, वो साइज के ऊपर भी हम पढ़ेंगे, वो क्लास के अंदर है, साइज कौन सा साइज कितना ज्यादा किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वो साइज जब आता है तो यूनिवर्स कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, जितना तुम्हें चाहिए उतना मैं दूंगा और उतना तुम रिसीव भी कर लो। तो इसलिए कभी भी अगर लाइफ में विश फुलफिलमेंट चाहिए
या कुछ बड़ा चाहिए तो हमेशा बड़ा डायल पहनिए, क्योंकि बड़ा डायल दिखाता है कि आपका यूनिवर्स जो दे रहा है वो आपका रिसीविंग अमाउंट कितना है, आप खुद कितना रिसीव कर पा रहे हैं, आपकी रिसीविंग एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो घड़ी का डायल बताता है ओवरऑल। अगर राउंड है तो राउंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल। अदरवाइज क्या है कि सब शेप का अलग अलग मीनिंग है। जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ, राउंड शेप जो होता है वो किसी भी चीज को हाइड करने के लिए होता है, या अपने लाइफ को सिंप्लीफाई रखने, सिंप्लीफाई करके रखने के लिए। स्क्वायर जो होता है, जब हम किसी भी उसमें ना डायल में एजेस आ जाते हैं, कोण स्क्वायर होता है ना, तो लोग उतने ज्यादा हार्श हो जाते हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर, अपने आप को दोष देना, ये देना। लेकिन ये लोग, ऐसे लोग अक्सर डिसिप्लिन देखे गए हैं, बहुत ज्यादा ओवर डिसिप्लिन, खुद भी डिसिप्लिन में रहना, अगर ऑफिस में है तो अपने कोलीग्स को डिसिप्लिन में रखेंगे, अपने जूनियर्स को डिसिप्लिन में रखेंगे, घर में सारे लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। अगर रेक्टेंगल शेप में आ रहा हो तो ऐसे लोग छोटी छोटी कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में भी एजेस आते हैं, और एजेस आने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं। जब भी किसी भी वॉच में आपको एज दिख रहा हो, कोण दिखता हो, वो वॉच आपको उतना ज्यादा हार्श बनाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ मोड पे लेके आता है। अगर ट्रायंगल मोड में हो, ट्रायंगल मोड वाला भी वही होता है, अपवर्ड ट्रायंगल एंड डाउनवर्ड ट्रायंगल, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ट्रायंगल वालों के पास क्योंकि तीन शार्प एंगल्स हो जाते हैं, तो वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, सक्सेस उसमें ही मिलता है, लेकिन बहुत रगड़ के इतना ज्यादा स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं कि वो अब खुद ही परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है एक ओवल शेप। ओवल शेप का भी ना, ओवल शेप का इफेक्ट कैसा होता है कि लोग ना बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्री प्लान, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन किसी ना किसी में जाकर ना फिर वो अटक जाते हैं, फिर उनका प्लान धरा का धरा रही, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। अच्छा, जितने ज्यादा हमारे नीडल्स में पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स मतलब कांटा जो है वो जितना ज्यादा नुकीला होगा, सामने पॉइंटेड होगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में स्ट्रेस को बढ़ाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा ब्लंट होगा, पॉइंट ज्यादा नहीं होगा, सर्कल में होगा, राउंड में होगा या स्क्वायर में होगा, उतना कम स्ट्रेस रहेगा लाइफ। अगर आपका काम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन के साथ है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, या लाइफ में आप चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छे लोग इन्वॉल्व हो, तो सिल्वर एंड गोल्ड कलर सबसे बेस्ट होता है। बट फिर भी मैं बताता हूँ कि कुंडली देखकर ही घड़ी पहने कि आपके कुंडली में कौन सा इफेक्ट है, या लोसो ग्रिड बनाकर भी आप घड़ी पहने तो उसमें भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी नंबर्स का इफेक्ट देखकर हम वॉच थेरेपी करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग आज आज ठीक है, वेबिनार में आप लोग जितना जान रहे हैं जान लो, बट कब इस वेबिनार को देखकर या जो भी इंफॉर्मेशन लेकर इसके ऊपर डिसाइड मत कर लेना कि मुझे ये घड़ी पहननी। सर, राउंड शेप का क्या बताया हमने? राउंड शेप का मतलब होता है आप अपनी बातों को छुपा के रखते हैं, मतलब जितना जरूरत है उतना ही दिखाओ, बाहर ज्यादा शो ऑफ मत करो, राउंड शेप जो है वो सादगी को भी दिखाता है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री है, जो नेचर का सबसे बेसिक शेप है, पूरे कौन सा नेचर का, वॉच पूरे ब्रह्मांड का बेसिक बेसिक शेप जो है वो है राउंड। तो सर कौन सा वॉच अच्छा रहता है, मतलब कौन से शेप का वॉच अच्छा रहता है वो तो डिपेंड ओवरऑल? करता है ना सर, आप कौन सा काम करते हैं, बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, कौन सा वॉच अच्छा होता है ऐसे नहीं है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि ये वॉच बहुत सबके लिए कॉमनली अच्छा है। इन जनरल व्यू एक वॉच मैंने बता दिया ये रख लेना तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जिस तरह से कुंडली में हम देखकर ग्रह नक्षत्रों के लिए नग देते हैं, क्रिस्टल्स देते हैं, यंत्र देते हैं, उसी तरह ये भी यंत्र है, ये बहुत बड़ा यंत्र है, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से मैनेज कर सकता है।
वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या योग बन रहे हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं है, प्रश्न सवाल है, प्रश्न कुंडली बनाकर हम उसको वॉच थेरेपी दे सकते हैं, ये भी कनेक्ट होता है बहुत अच्छे से। सर, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं जानता है तब फिर कैसे फोन करेगा? प्रश्न कुंडली, अभी अभी तो मैंने ये बात बताई हाँ, कि तो प्रश्न प्रश्न पूछिए। कुंड हाँ, जैसे इसकी ज्ञान हो तब ना, जैसे एक जनरल अगर किसी को सजेस्ट करना होगा तब फिर ना न्यूमरोलॉजी आता है, ना एस्ट्रोलॉजी, ना प्रश्न नहीं, का वैसे वैसे नहीं सजेस्ट करते ना, देखो ये इसका टेक्निक है, यही तो पढ़ना है, यही तो मैं पढ़ाऊंगा कि आपको कैसे सजेस्ट करना, कैसे पहचानना। सबसे पहले तो घड़ी देखकर आप ये इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बोलना, प्रिडिक्शन करना चालू कर देना। रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या है, यही तो है कि आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, उसके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, जब से वो घड़ी उसने स्टार्ट किया पहनना, ठीक है। कईयों को किसमें मिलता है, शादियों में घड़ी मिली हुई है, कईयों को फादर ने गिफ्ट किया है, दादाजी ने गिफ्ट किया है, बुआ ने गिफ्ट किया है, ठीक है, कईयों को माता जी ने गिफ्ट कर दिया, तो वो जब से वो घड़ी पहन रहे हैं उनके लाइफ में क्या है, ये आप देख के ही बोलना चालू करेंगे। जब आप ये सीख लेंगे ना और उसको प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, देखो हर चीज सीखने के ऊपर है, सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस भी आना चाहिए, तो आप लोगों के अंदर बता सकेंगे कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आपके लाइफ में किस तरह की चीजें हो रही हैं। डायल हो गया, उसके अंदर का जो क्रोनोलॉजी है मतलब नंबर्स हो गए, उसके अंदर का जो शेप है वो हो गया, कलर हो गया, कांटे हो गए, ये सारा अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, अलग अलग मतलब डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं, जिसको देखकर आप किसी को भी सिर्फ वॉच देखकर बोल सकते हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। जो सुटेबल नहीं है, अगर उस वॉच को देखकर आप बताओगे आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, तो वो आदमी सामने से स्टंट होकर बोलेगा हाँ यार ये तो आपको सिर्फ घड़ी देख के कैसे पता चले। तो आप उससे पूछोगे ना कि आप अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हाट यू रियली वॉन्ट, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, उसके हिसाब से। अगर किसी ने बोला मुझे पैसा चाहिए, मुझे करियर पे फोकस करना है, ठीक है, कोई आके बोलता है कि मेरा इंटरव्यू ही क्लियर नहीं होता, इंटरव्यू देने जाता हूँ नर्वस हो जाता हूँ, ठीक से नहीं बात कर पाता, तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी एक बहुत अच्छा घड़ी है, बहुत तगड़ी घड़ी है, मतलब वो अगर मिल जाए, वो अगर सस्ते भी मिल जाए तो भी मजा आ जाए। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा डेप्थ में है, बहुत ज्यादा लोन में धंसा पड़ा है, अंदर जमीन के अंदर घुस गया है ऐसा, उसको बाहर निकालने के लिए भी घड़ी है कि लाइफ में कैश फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे वो धीरे धीरे अपने लोन्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकता है। कौन सी घड़ी पहने तो अरे मैडम वही तो सीखना है। कहते सीखेंगे थोड़ा, अब आप सस्पेंस में मत ये नहीं रहिए, बताऊंगा ना, थोड़ा ये नहीं बताइए बताओ, नहीं, ये तो बताऊंगा ऐसे ही नहीं। मत यही तो करिए। जान नहीं हो सकता ना मैडम, ये वेबिनार में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे ओके ज्यादा ओके इसी का तो है, इसी का वैल्यू है, इसी घड़ी के ओके बारे में जानने के लिए लोग मुझे मुंह मांगा, मैं जो डिमांड करता हूँ वो पैसे देके जाते, नहीं, आप बता भी बहुत अच्छा रहे सर, बहुत ठीक बढ़िया है। बता। वो पहन लेने के बाद तो लाइफ का जो है ना पूरा 180 डिग्री का मूवमेंट होता है, जो नहीं दे रहा वेरी था वो फोन करके बोलेगा सर क्या सर आप पैसे नहीं मांग रहे, 2 महीने तो बहुत तंग किया, फोन किया उसके बाद पैसे नहीं मांग रहे, लेके जाओ पैसे, मैं आऊं आपके पास, आपके घर में आऊं क्या, अकाउंट में डाल दो, ऐसे बोलेंगे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर? कलकत्ता? हाँ कोलकाता, हम भी तो कोलकाता सर के रहते हैं। प्रॉपर्टी अरे वेरी रिलेटेड गुड, भी हो सकता है, हाँ प्रॉपर्टी सर सेलिंग, बाइंग, प्रॉपर्टी सेलिंग ये भी हो सकता मैं है। भी, हाँ कोलकाता ही बिल्कुल हो रहती हूँ सकता है, सर, तब बिल्कुल हो तो सकता मिलना पड़ेगा, कोलकाता के हैं तब तो है। सर आप है। हाँ मैं भी कोलकाता हाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम खुश कोलकाता, शीरा कोलकाता ठीक है, वाले वेरी लोग है ना। गुड, गुड गुड गुड, देख कोलकाता भावना रहते हो। वैसे मैं, बनर्जी। अगर कोई रहता है, आई वांट वन क्वेश्चन कैन आई आस्क, कि जैसे कोई ऑकल्ट साइंस में है, ये सब टैरो वगैरह करता है, तो उनके लिए भी आप बताओगे क्या, कौन सी वॉच उनके लिए परफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल सब बताओ, अच्छा सर, सब रहेगा उसमें। कितने दिन का रहेगा वर्कशॉप? देखो वैसे तो 1 मंथ का है, ठीक है, हाँ 1 मंथ का है, 1 मंथ, 1 मंथ पे हम मेन मेन पढ़ेंगे, जो उसमें पूरा मुद्दा है, जिसका जिस्ट है। 1 मंथ मतलब ऐसे नहीं, हफ्ते में 2 क्लास होते हैं, ओके सैटरडेज एंड संडेज, तो टोटल महीने में कितने हो गए, 8 क्लासेस, आठ आठ या 10 हो जाती हाँ 8 या 10। उसके बाद जो है, जो प्रैक्टिस है, हम आपकी जो जो मैंने सिखाया है उसको प्रैक्टिस भी तो करवाना है, कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज करना है, बाकी क्लासेस में वो पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस में दे दूंगा।
तो सर ये 1 मंथ में फुल आ जाएगा या फिर वापस इसका एडवांस निकालेंगे आप? नहीं, वन वन मंथ में एक्चुअली फुल नहीं आता, एक्चुअली 2 मंथ का है, ये है 2 महीने हाँ का, लेकिन इशू ये हाँ है कि पहला महीना जो है सिर्फ सीखने सीखने में जाएगा, करेक्ट। ठीक है, दूसरा महीना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस पे जाएगा, ओके आपको सीख के ही जाना है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और किताब कॉपी रख के भूल गए, ऐसा नहीं है, सीख के जाना है अच्छे से, घड़ी देख कर ही प्रिडिक्शन करो, अगर किसी का कुछ नहीं दिख रहा हाथ में घड़ी पहनी है बोलना चालू कर दो, सर रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे आप कि ऑब्वियसली नहीं? रिकॉर्डिंग्स हर जगह क्योंकि मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कभी मिलेंगे, नहीं, जैसे सैटरडे संडे कभी नहीं हम बैठ सकते हैं, तो उसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वही मेरे तो लिए। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग कुंडली से भी अरे कनेक्ट हो जाएंगे, वॉच करना कुंडली दीदी से भी हमारे तो दीदी कनेक्ट हो बैठी हुई जाएगा। है, ये जोड़ लेती है हमें तो, दीदी हाँ जी आप जोड़ लेते हैं मेरे को, आपको हाँ वंदे वर बोलती हूँ मैं तो, सच में दीदी बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार बहुत प्यार करती। करते हैं सबसे, बहुत सबसे बहुत प्यार करते हैं अरे ये तो हमारी दो ये साल सीधा के लिए सीधा हमारे, पता है ये जब से जुड़ी है तब से मेरे लाइफ में भी मिरेकल्स हुए हैं बहुत ज्यादा नहीं, ये तो बहुत सब लकी क्लासों में चाम है, नहीं लकी चाम। हाँ अरे नहीं ये मेरे को खुद तो हर खुद ये क्लासों में मेंटोर जोड़ है ना, देती ये है। खुद अरे ही भी तो मेंटोर है, हमारी मेंटोर है, हमारे यहाँ अरे पढ़ाती है, बहुत हम सारी तो चीजें बोल बताया पढ़ाती, बहुत सारे ज्ञान के भंडार है ये तो हमारी किस दीदी, सर तो किन की बात कर रहे हैं आप? ये जो हाथ हमारी जोड़ रही है दीदी है, हमारी हाँ जोड़ रही है ना, तिलक निकाले हुए। दीदी बोल जा, आप चुपचाप मत बैठो, आप थोड़ा बोलिए सा तो अनम्यूट करके सुनती। बोल लीजिए, अंशु अंशु दीदी, नमस्ते, आत्मा हाँ नमस्ते आत्मा सभी को, नमस्ते। अंशु दीदी आत्मा आप नमस्ते। अच्छा बोलिए, कितनी स्वीट बोली आपने। अरे स्पेशली भाई डॉक्टर साहब आचार्य जी हाँ जी आपको बता रही हूँ कि ये सब सर, जगह दूसरी है, अभी कोई पूछती है नहीं, बात होगी कि नहीं होगी अपनी, फिर भी मेरे क्या को स्पेशली मेरे खाली बारे में बात नहीं करते हैं कि अभी बताइए। कब खुद आप अभी नहीं, बताने अब वाले? डाउट्स लो, आप लोग डाउट्स तेलना चालू करो, डाउट्स बोलो अपना, हो सर गया कुंडली से कितना भी कनेक्टेड कंटेंस होता जो है, दिया वॉच अच्छा दिया, वॉच रिलेक्शन कुंडली से भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वही तो पढ़ना है कि कुंडली से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। सर ये क्लास कब चालू कर रहे हैं? क्लास ये एकेडमी वाले बता देंगे, टाइम शेड्यूल बता देंगे आपको, मैसेज में मिल जाएगा अच्छा सर, ठीक है, ये कितना है सर? एक एक करते हैं। हाँ वो सब आपको सब, ये एक एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कोर्स फी के बारे में बता देता हूँ, कितना क्या है सब बता देता हूँ, अंशु एक दीदी बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? देखिए अरे रुक जाओ ना मैडम, बोलेंगी ना वो। सूरज जी, एक्चुअली द थिंग इज कि अभी वेबिनार चालू हाँ है, स्टार्टेड है, बीच में चल नहीं बोल रहा सकते, है प्रोसेस, तो पहले खत्म होने दीजिए, हम लोग बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले मिथुन जी को सब प्लीज डिटेल्स दिखाने दीजिए, कंटेंट हाँ दिखाने दीजिए, ठीक है? मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, क्या हो गया? थोड़ा हाँ कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक मिनट रुक जाइए, पीपीटी को ऑन कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा था फॉर्मेट तो मुझे दूसरे से खोलना पड़ा। हेलो, हाँ हेलो, ये लीजिए शेयर किया, हेलो, स्क्रीन शेयर, देखिए इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कलर जो मैंने कहा कि कौन सा कलर किस काम के लिए ज़्यादा सुटेबल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बारे में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया है मैंने किस तरह से ये काम करता है, और
इसके साथ हम स्वर विज्ञान का भी इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे, तो ये और भी ज्यादा हाइपर एक्टिव में एक्टिविटी आपको मूड दे देगा। क्लॉक का डायल कैसा होना चाहिए? अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें रिस्ट वॉच के साथ साथ हम कुछ कुछ चीजें वॉल वॉल क्लॉक के ऊपर भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जो हमें एटलीस्ट हमारे ड्रॉइंग रूम में और हमारे घर पे जो हम यूज करते हैं वॉच, उसका समझ में आ जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए, किनका म्यूट खुला हुआ है? देखो कौन है यार? तो जो जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिस्ट वॉच के बारे में, साथ साथ हम जो है वॉल क्लॉक के बारे में भी पढ़ लेंगे, इसी के अंदर ही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, जिसको हम करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। वॉच में बेल्ट एंड एक्सेसरीज में क्या क्या आता है? कई लोगों को आप देखेंगे ना, वॉच का जो बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं कई लोगों के अंदर, कई लोग ऐसा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइप्स होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे मेरा जो हाथ में, मैंने वॉच अभी तो चलो बाद में दिखाता हूँ, इसमें वॉच का जो बेल्ट का बेल्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल पैटर्न वर्टिकल पैटर्न क्या इफेक्ट देता है वो पढ़ेंगे। वॉच बेल्ट एंड अदर एक्सेसरीज, वॉच नीडल्स जो मैंने कहा अभी भी कि किस तरह से सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा हमारे जीवन में इफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कई रिस्ट वॉच के जो नीडल्स होते हैं ना, नीडल्स के अंदर भी गैप्स होते हैं, ठीक है, इनमें हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसे वॉच पहन रहे हो जिनके नीडल्स के अंदर भी गैप होता है, होल, उसको पढ़ेंगे, वो पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, किस तरह से वो काम करता है। डायल थिकनेस एंड अदर कॉन्सेप्ट्स, यानी डायल कई लोगों का घड़ी घड़ी देखेंगे बहुत मोटा दिखेगा, थिकनेस बहुत ज्यादा, और एक तो टाइटन का वो ही आता है, टाइटन रागा एक अलग ही वो आता है, मॉडल ही आता है जिसमें बहुत थिन बहुत पतली कड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी पढ़ेंगे। डायल टाइप, वॉच एज अ गिफ्ट, जो मैंने अभी भी कहा कि नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, या आप किसकी कौन ड्रॉ कर रहा है यार, मत करो पिंकी त्यागी, ठीक है। वॉच में गिफ्ट में किसको गिफ्ट देना चाहिए, किस तरह का वॉच गिफ्ट देना चाहिए, किस तरह का गिफ्ट लेना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको एक अच्छा सा उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक्स, जो मैंने कहा कि वॉल क्लॉक के ऊपर भी एक अच्छा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा कि वॉल क्लॉक किस तरह से काम करता है और आपके घर में, आपके ड्रॉइंग रूम में कैसे क्लॉक होना चाहिए, बेडरूम में क्लॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब बातें उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of August, 2 मंथ का कोर्स है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट पहला जो मंथ है, पहले मंथ का जितना क्लास है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है किसी को भी मिस ना करें, आप लोग लाइव जरूर रहें, लाइव पढ़ेंगे तो ज्यादा कनेक्ट होते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग में ही पढ़ेंगे सेम बात आती है, लेकिन लाइव में क्या होता है ना, आपको तुरंत डाउट का क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है, और हमें भी आंसर देने में ईजी होता है, नहीं तो बाद में कई बार लोग रिकॉर्डिंग देख के फिर व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं, अब दिमाग में आता नहीं, तभी पता नहीं क्या पढ़ाया था, अभी इसका कैसा क्या होगा, तो फ्लो में बहुत अच्छी चीजें निकल जाती है, तो फ्लो जब टूट जाता है फिर वहां पर दिक्कत आएगी। तो पहला मंथ बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे जिसमें डिटेल में बताई जाएंगी। नेक्स्ट मंथ जो दूसरे मंथ में है उसमें प्रैक्टिस को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन पहला मंथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी मिस ना करें। 18+ लाइव क्लासेस सेशन ऑन जूम, लाइव क्लास ऑन जूम विद रिकॉर्डिंग फॉर 2 ईयर्स आपको मिलेगा, इसमें रिकॉर्डिंग को एक्सेस करने का, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होगा, एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट एंड सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है, रिपीट फ्री वंस एक बार फ्री मिलेगा, स्टडी नोट्स में जो मैं बताता जाऊंगा आप लोग लिखते जाओ, एग्जाम्पल देता जाऊंगा उस हिसाब से लिखते जाना, ठीक है, नोट्स बनाना, मैं जो बोलूंगा ना नोट्स बनाना, जहां पे मैं बोलूंगा लिखो वहां पर अंडरलाइन करके लिखना है, ठीक है, सर पीडीएफ उसके से ही बाद मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको मिलेगा पॉइंटर्स, पॉइंटर्स लेके आप क्या ओके करोगे, इसलिए देखो समझना बात, मैंने पीडीएफ देके देख लिया है, पीडीएफ पता क्या होता है, वो सेव रहता है, या कुछ लोग प्रिंट आउट निकाल के ऐसा रख लेते हैं, ऐसे रहता है पीडीएफ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही रह जाता है, यूज नहीं होता, ठीक है ना, तो अगर अपने हाथ से जब तक लिखोगे नहीं ना, देखना कनेक्शन क्या, अगर पीडीएफ दे रहा हूं ना मैं आपको,
तो क्या दे रहा हूँ, राहु में बुध दे रहा हूँ, तो राहु बुध का कनेक्शन स्टे नहीं करता ज्यादा देर तक। व्हेन यू आर राइटिंग, आप बृहस्पति बुध के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये परमानेंटली यहाँ घुसेगा, इसलिए लिखना जरूरी है, वो सबकॉन्शियस में प्रिंट होता है। ठीक है, कंप्लीशन होने के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा। पेमेंट डिटेल आप लोगों को पता है, जो लोग नए हैं वो पेमेंट डिटेल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 5100 है आफ्टर डिस्काउंट 4214, और जो एग्जिस्टेंस है उनके लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट होने के बाद 3158। ठीक है, आप लोग अकाउंट नंबर में भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है जी, तो रिस्ट वॉच में अभी अगर समझना है, क्योंकि एक एक स्पेशली मैं ये इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कौन लोग, जो लोग हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, चलिए सर वो तो वो यहाँ, आप तो ग्रुप में भेजोगे ना वो हाँ वो तो भेजेंगे, वो भेजेंगे। यहाँ पर भी देखो तो चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर, इस नंबर पे भी लिखिए, ले आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, हमारे एकेडमी का ही नंबर है। ठीक है, नहीं, मैं तो एकेडमी का मेंबर हूँ उसके लिए तो। वेरी गुड, आप तो दूसरे कोर्सेज में भी आते हैं। हाँ, दूसरे को देखिए एक और चीज, जो लोग कुंडली या एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है। इससे आप अपने क्लाइंट्स को अलाइनमेंट करने में और भी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जो लोग कुंडली देखते हैं, कुंडली से जो है भविष्यवाणी करते हैं, उनके लिए तो समझ लो कि आप एक ऐसा उपाय दे रहे हो कि आप उस व्यक्ति को डिसिप्लिन दे रहे हो, मतलब कि ऐसा ऐसी चीज आप दे रहे हो घड़ी का जो एनालिसिस करके, कि जो उसके लाइफ में उसका एफर्ट तो है, एफर्ट का सही से रिजल्ट मिल पाए। इस वजह से घड़ी का जो है एनालिसिस करके आप अगर आप अपने अपने क्लाइंट्स को दोगे ना, ये एडिशनल बेनिफिट आप देंगे। हालांकि आज के डेट में बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रिस्ट वॉच को भी एज अ थेरेपी या एज अ उपाय रेमेडी दे रहे हैं, बहुत कम है। मतलब परसेंटेज में अच्छा अगर गिन के बताऊं तो 2% या 3% ऐसे लोग हैं जो रिस्ट वॉच कुंडली के साथ जोड़ कर देते हैं। जैसे हम लोग क्रिस्टल हीलिंग देते हैं, जैसे हम लोग टैरो कार्ड में क्रिस्टल हीलिंग देते हैं, ठीक है, रेकी थेरेपी देते हैं, उस तरह से घड़ी को भी आप मतलब अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं जो लोग टैरो कार्ड से हैं। अब टैरो कार्ड में ही आपको एनर्जी दिखी है कि ये इस व्यक्ति की एनर्जी बहुत ही बेकार है, अपने चीजों को मैनेज नहीं कर पाता, सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है, डिस्टर्ब, सोच ही नहीं पा रहा क्या करूं मैं। ठीक है, क्या टैरो कार्ड में सिक्स ऑफ कप ये होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या चॉइस, बहुत सारे चॉइस है, किसको सेलेक्ट करें। तो अगर किसी के रीडिंग में सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है, तो उसको डेफिनेटली आप वो क्या चाहता है पहले उसके मन की बात को समझ लो, वो उसका जो मतलब कहते हैं बर्निंग डिजायर कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, ये बदलाव चाहिए, उस हिसाब से आप रिस्ट वॉच देके उसके लाइफ में वो बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, मतलब मैं हाँ खुद सर, पढ़ाने में इतना मैं खुद जब सीख रहा था इतना मजा आ रहा था मुझे, और जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया, जो भी मेरे को दिखता था मेरे ऑफिस में, मेरे जान पहचान में, जो भी घड़ी पहने हुए, मैं ऐसे ही बोलना चालू कर देता था, अच्छा तेरे घड़ी में तो ये है क्या यार, तो क्या कर रहा है, डिमांड तो बहुत बड़ा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, घड़ी पहनी है, छोटी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सारा काम तो करता होगा, प्लानिंग कर भी देता होगा, एग्जीक्यूशन का टाइम आता होगा, सब दरवाजा बंद हो जाता है, बोलता भाई ऐसा ही तो हो रहा है, क्या करूं, उपाय बता, घड़ी बदल दे, पहले तो जो घड़ी पहने उसको बेच दे, जो तुझे चाहिए ऐसी घड़ी, उसको फॉर्मेट बताए तो वो फॉर्मेट पहन, पहनने के बाद 3 महीने के बाद रिजल्ट, हाँ अब जो मैं करता हूँ उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। पहले डिले होता था, किसी न किसी कारण से रुक जाता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता था, ऐसा हमेशा होता था। अभी रिसेंटली परसों की बात है, मेरा एक बहुत छोटे एकदम बचपन का दोस्त, वो कहता है कि जब भी मैं घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ के रखता हूँ कि मैं अब घर खरीदूंगा या प्लॉट खरीदूंगा जमीन बनाने के लिए, तभी जो है घर में किसी न किसी की तबीयत खराब होगी, कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट बिगड़ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो पैसा जो मैंने रखा है उसमें से वो निकल जाएगा। तो मैंने पूछा भाई तू घड़ी कौन सी पहन रहा है, तो कहते मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं, सिर्फ जब मैं काम पे जाता हूँ, क्योंकि वो फ्रीलांसर है, तो एक्चुअली वो आर्टिस्ट, वो है क्या कहते हैं शूटर, शूटर माने कैमरा मैन। ठीक है, तो वो कहता जब मैं काम हमारा होता है तभी मैं पहनता हूँ, अदरवाइज नहीं पहनता, मतलब कि 24 घंटे में सिर्फ सोते वक्त ही खोल के रखना है,
अदरवाइज हमेशा पहन के रखना है, नहीं तो फिर वो एक्टिविटी आपको एक्शन नहीं दिखाएगी, आप अपना एफर्ट करते जाओगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको मैंने कल एक अच्छी सी घड़ी सजेस्ट की है और कहा है कि बस इसका टाइम मैनेजमेंट जब से पहना हुआ अपने लाइफ में जो जो चीज़ करना है उसको सही से मैनेज करना चालू करो। ऐसा नहीं कि वो पहनने के बाद जादू आ जाए, पहनने के बाद आपको भी अपना एफर्ट देना पड़ेगा, आपका एफर्ट तभी रंग लाएगा। आप पहन लिया और आप कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। कर्म सबसे ऊपर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म। लेकिन ये हमारा एडिशनल एक्सेसरीज है जो आपको हेल्प करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब पूछो आपको क्या डाउट है। प्रमिला जी सर, बताइए। हाँ आज सर मेरा ये एक पूछना था मिनट, कि जैसे कुंडली से आप रिलेट कर रहे, तो किसी की दशा ही खराब चल रही है, 7.5 चल रही है, या कोई और दशा एकदम खराब चल रही है, तो फिर ये घड़ी की रेमेडी उसको कैसे ठीक करेगी? वहां पर तो हम प्लैनेट से उसको ठीक करते हैं या रेमेडी से करते हैं, तो ये घड़ी कैसे वो प्लैनेट को ठीक कर देगी? हर प्लेनेट का अपना कलर है ना, कलर है तो हाँ आपको तो वही ढूंढ के निकालना उसी कुंडली में कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा है, उसके कलर की घड़ी पहनाओ ना, सिंपल। बट वो दशा तो खराब है, तो फिर वो तो अपना रिजल्ट देगी देगी। देगी ना दशा तो हाँ देखो क्या आता है, देखो जब तुम्हारी जैसे सबसे ज्यादा खराब जो दशा होती है वो अष्टम और द्वादश की होती है, आठवां घर और 12वें घर। ठीक है, अष्टमेश की दशा चल रही है, सपोज किसी का अष्टमेश गुरु है, अष्टमेश की दशा चल रही है, तो अगर आपने उसको गोल्ड पहना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप फिर से गुरु गुरु के प्रभाव को और बढ़ा दे रहे। तो अब ये कुंडली में अगर जैसे अष्टमेश बोला तो कौन से लग्न का अष्टमेश होगा, वृषभ लग्न का, तो आपको लग्नेश को मजबूत करना है ताकि उसके खराब टाइम पे वो इफेक्ट वो झेल सके, उसके लिए उसको रेडी करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो झेलने वाली चीजें आ रही है उसी को बंद कर दो, नहीं, जो भोग है उसको भोगो, नहीं भोगोगे तो वो कोई बड़ा बहुत बड़ा साइज बन के आएगा और परेशान करेगा। भोगो, लेकिन उसको भोगने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो आप लग्नेश का जो कलर है उसको मजबूत करके, शुक्र का कलर क्या होता है, व्हाइट सिल्वर, उससे रिलेटेड आप घड़ी दे सकते हैं। इस तरह से होता है, कलर के ऊपर मेटल के ऊपर उसका कनेक्शन बनाते हैं। वो पढ़ेंगे हम, और वो आगे ये, पढ़ेंगे। हाँ, बट और सर फिर ये उसके लिए वास्तु को भी कैसे ठीक करेगा? वास्तु का कनेक्शन कैसा है ना, देखो ऑब्वियस सी बात है, वास्तु एक ऐसा मतलब वो है, मॉड्यूल है जिसको हम अगर वॉच के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जब आपका प्लैनेट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो प्लैनेट आपके वास्तु के हिसाब से कहाँ पर है उसके ऊपर वो काम होना चालू हो जाएगा। आपको वो वास्तु आता है क्या, जिस वास्तु में प्लैनेट के राशियों की स्थिति बताई गई है वो पता है, या बेसिक एस्ट्रो कलर। वास्तु, यस एस्ट्रो एस्ट्रो, हाँ वास्तु। नहीं पता। अगर आपको एस्ट्रो वास्तु पता है तो फिर इसमें ये और एक चार चांद लगा दे, एस्ट्रोलॉजी ओके, प्लस वास्तु, कौन सा एस्ट्रो वास्तु पता है तो फिर ये रिस्ट वॉच एनालिसिस वहां पर और भी मजा कर देगा, मजा आ जाएगा फिर रिजल्ट देखने में। बट अभी सर, अभी जिसको कल ही मैंने, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती हो उसके लिए, जिसको जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है तो आती हो, उसका कोई बर्निंग डिजायर तो होगा ना। नहीं सर, वो तो जैसे मान लीजिए हमने ये कोर्स किया हाँ और एस्ट्रोलॉजी का नहीं आइडिया आती, नहीं है, कुंडली हाँ नहीं देख के आता, तो फिर हम रिस्ट वॉच एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं, ये मेरा हाँ क्यों मतलब। नहीं कर सकते, क्योंकि सर यदि कुंडली से इफेक्ट होता है तो फिर पहले देखना पड़ेगा ना सर कि कौन सा अरे है क्या मैडम मैंने इसमें कुछ। बोला वो एडिशनल बेनिफिट है, ओके मैंने ये नहीं बोला कि इसको कुंडली आती है उसको ही रिस्ट वॉच करना, मैंने बोला कि अगर आप कुंडली जानते हैं रिस्ट वॉच के साथ जल्दी अलाइन कर पाएंगे, जिसको ओके नहीं आता उसके लिए तो है ही, वो तो सीखेगा ही। ओके जिसको कुंडली नहीं एक दी और आती ना आप क्वेश्चन, रिस्ट वॉच से ही बिहेवियर बता देंगे इंसान का, कैसे बिहेवियर का है ये जब से उसने घड़ी पहननी चालू की। सर बिहेवियर तो बता देंगे, बट जैसे कि किसी के लिए कौन सा बेटर है वो भी उससे एनालिसिस कर पाएंगे ना, वो पूछ रहे। वो वही तो थेरेपी है, ये ओके ओके इसका नाम है रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी। सर, हम पहले कल मैंने एनालिसिस करेंगे साउथ फिर के उपाय एक बताएंगे। मैंने कल साउथ के एक चैनल पे इसी घड़ी को लेके एड देखा, वहां पर वो पंडित जी हुए, उसमें व्हाइट कलर का डाई था, अंदर श्री यंत्र बना हुआ था, और वो लोग ये सब बातें बोल रहे थे कि आप ये घड़ी खरीद लीजिए, इससे आपका लक एंड ऑल अच्छा हो जाएगा। हाँ वो फिर तो बट वो वहां अंदर फिक वहां उसके पर भी ऊपर ही तो पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी पढ़ेंगे।
पर सर वो एक ही घड़ी सबको बेच रहे तो ऐसे कैसे हो तो वही ना जाएगा गलत है, एक घड़ी इस सारे यही तो को? गलत है, ये पूरा गलत है ना, ये हर किसी पे श्रीयंत्र सूट करेगा तब ना। श्रीयंत्र की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत हाई, अगर आप उसके साथ चैनलाइज नहीं हो पाते हैं तो पूरा वेस्ट है वो रखना, फिर वो आपको नुकसान करेगा, बैकफायर करता है वो। पता है श्रीयंत्र क्या है? श्रीयंत्र है एटम बम, अगर उसकी न्यूक्लियर एनर्जी को आप समझ नहीं पाए तो आपको पूरा बैकफायर करेगा, अगर समझ लिया तो आपको कहां से कहां लेकर जाएगा। ये समझते नहीं है लोग, श्रीयंत्र श्रीयंत्र देखकर बेचना चालू कर दे। हमारे पास ही तो है ना, एक श्रीयंत्र का कोर्स है, श्रीयंत्र एक्टिवेशन का एक कोर्स है, शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे वो कोर्स। श्रीयंत्र बहुत टाइप के होते हैं ना, अलग अलग टाइप के। अच्छा अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आप घड़ी में किसी को बना के दे रहे हैं ना, तो वो हाइपर एक्टिविटी में वो झेल ही नहीं पाएगा, बहुत मैटर करता है मैडम। ये सारी चीजें ऐसे नहीं बेचते, कमर्शियली कर तो देते हैं लोग, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है बहुत सारा। जी गायकवाड़ जी पूछे, क्या गायकवाड़ जी पूछने का? जो अश्विन, अलग अलग टाइप के घड़ी जो आप बताते हो इस कोर्स के दरम्यान, तो हाँ कहाँ पे मिलेंगे? मतलब मैंने मुंबई में देखा ना, तो सब एक ही टाइप के घड़े मिलते हैं हमारे यहाँ पे तो। सर्च करना पड़ेगा, और कुछ कुछ चीजें जैसे कुछ कुछ कंपनीज बनाती हैं, कुछ कुछ चीजें अलग कंपनीज बनाती हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आपको शोरूम में जाके ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो एक घड़ी मिली थी एयरपोर्ट में जाकर, जो मैं अपने टिपिकल एक कस्टमर के लिए ढूंढ रहा था बहुत दिनों से, उन्होंने खुद ही बोला सर ढूंढ के दो, मुझे नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ के दो कहीं से। तो मुझे मिला, मैंने फटाफट फोटो खींच के उनको भेजा, उन्होंने तुरंत ही पैसे ट्रांसफर किए, मैंने तुरंत खरीद लिया, एक एयरपोर्ट सर में है ना, जाके मिला था। वो आपको हमेशा एक सर्चिंग मोड में रहना पड़ेगा। एक सर है ना सर, वो भी ऐसे मतलब रिसोर्स के बारे में सिखाते हैं, तो उन्होंने ना बताया था कि हेक्सागोन टाइप की घड़ी आपको पहनना चाहिए। मतलब डिपेंड तो हेक्सागोन की घड़ी गूगल पे करता है भी ना मिल सर, आप जाती है कौन सा मतलब। क्या काम है आपका, आपका अगर लोगों के साथ कम्युनिटी बनाकर एक अच्छा सा स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाकर आप काम करना चाहते हैं, ग्रुप में काम करना चाहते हैं, टीम में काम करना चाहते हैं, वहां पर ये काम करता है। अब जो मेरा एक तो सर अकेला इंसान है जिसको कुछ समझ ही नहीं है कि टीम के वर्क क्या है, जिसको टीम वर्क पसंद ही नहीं है, उसको हेक्सागन पहना देंगे तो कैसे होगा? नहीं, डिपेंड करता हाँ है कि क्या डिमांड है, उनकी कुंडली का डिमांड क्या है, या जो लोग नहीं जानते कुंडली उसको छोड़ दो, उस व्यक्ति का खुद का डिमांड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग, मैक्सिमम लोग आज के डेट में देखो ना, डिमांड है बहुत ज्यादा अंदर से, अर्ज है, करने की इच्छा बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करे, वो अपना लाइफ पाथ डिजाइन नहीं कर पाते। हालांकि मैं कहूंगा कि आज के डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो भटके हुए इधर उधर, उनको लाइफ पाथ ही नहीं तो पता मेरे है को ना। ना शेयर मार्केट में ज्यादा देखिए कौन सा इंटरेस्ट है शेप होता मतलब। है सर जो भटके हुए हैं कोई? जो भटके हुए मैक्सिमम मैक्सिमम घड़ी नहीं पहन रहे हो, जितने लोग भटके हुए ना उसमें आपको 99% लोग देखेंगे मैं घड़ी नहीं पहनते। तो मेरे को ना तो ट्रेडिंग बॉन्डिंग में के इंटरेस्ट लिए है। कोई शेप होता है क्या सर बॉन्डिंग के लिए? बॉन्डिंग के लिए क्या? मतलब जो भटके हुए हैं पर बॉन्डिंग करना है, जैसे क्लाइंट क्लाइंट हो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी है। हाँ तो पहनना पड़ेगा ना, जैसे अब जो भटके हुए हैं, भटके हुए का मतलब है कि प्लानिंग है, डिजायर है, करना है करना है करना है, नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, उनके लिए क्या करना है तो वो क्लियर करवाना पहले कि उसको क्या करना है। और ये सर आजकल एप्पल के जो पहनते हैं और डिजिटल जिसके साथ वॉच, वो स्मार्ट डिजिटल वॉच, डिजिटल हाँ स्मार्ट वॉच, वो सही है? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो इतना एक्सप्लेन किया स्मार्ट वॉच को लेकर, स्मार्ट वॉच अच्छी नहीं है, वजह अच्छी एप्पल की नहीं है। हो या कुछ भी अगर हो। आप फुल फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं है तो आपके लिए स्मार्ट वॉच अच्छा नहीं है, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, या कोई भी संग हो, कोई भी ओप्पो हो, कुछ भी फ्रीलांसिंग हो, सही है, फ्रीलांसिंग ओनली के लिए फ्रीलांसर सही है। जो घर में बैठकर फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है, शेयर मार्केट कोई वाले भी लोगों के लिए उसके लिए पढ़ेंगे सर अलग से, वो कोई भी बहुत कलर ना, ही टिपिकल है उसका, उसका एक बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक है वो, मैं बताऊंगा क्लास में। हाँ पर फ्रीलांसिंग के लिए सही है ना सर, कोई भी ओनली कलर? फ्रीलांसर के लिए कोई भी कलर, वो तो सर मैडम फेस अलग से मिलता है ना, आप डाउनलोड कर लो या उसी के अंदर जो रहता है बाय डिफॉल्ट वो तो चेंज कर सकते हैं। अब जो कलर यूज करोगे उस कलर का आपको इफेक्ट दिखेगा, जो कलर, अभी कलर के बारे में जो हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे आप अगर फ्रीलांसिंग करती हैं, अगर आपके पास हाथ में रिस्ट वॉच है, डिजिटल वॉच है, अगर आपको मजा करना है तो आपने कलर अलग सेलेक्ट कर लिया, अगर आपको काम में फोकस करना है अगर अपना कलर अलग सेलेक्ट कर लिया, ऐसा इसमें करेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है करेक्ट। यहाँ। सर सर आप जैसे हमें डिजिटल मार्केट टाइगर सर का काम इसमें मुझे ये करता पूछना था कि कुंडली में जो हम देखते हैं
तो क्या इसमें हम थर्ड हाउस और 11th हाउस को देखेंगे पर्टिकुलरली, बिकॉज वो हमारे विश को दिखाता है, कलाई को दिखाता है. यहाँ पर आप थर्ड हाउस को भी देखेंगे, 11th हाउस को भी देखेंगे, और अपना 10th हाउस को भी देखेंगे कि आप तो उसमें कितना ज्यादा इफेक्ट दे रहा हूँ काम। ओके थैंक्स. सर, जैसे आप बताए थे कि जो डिजिटल वर्क करता हो, यूट्यूब चैनल है, वो सब पे वर्क करता हो, और तो डिजिटल मार्केटिंग वाले क्या डिजिटल वाला यस घड़ी पहन सकते हैं? यस यस यस, अच्छा, तो जो उससे जो उसकी ग्रोथ. टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ टेक्नोलॉजी के हाँ साथ वैसा नहीं, जो जैसे कोडिंग वाला काम, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट डेवलपर, उनके लिए अलग टाइप की एनालॉग घड़ी ज़्यादा सूट करेगी, लेकिन डिजिटल नहीं। लेकिन जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनको रेगुलर मैसेज चेक करना होता है, जिनका का पूरा काम फोन में है, ऑनलाइन है, ठीक है, फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर इन द सेंस कैसा, अब जैसे कोडिंग वाला फ्रीलांसर है, तो जब कोडिंग का काम करने के लिए बैठे तो एक अलग घड़ी पहने, और जब कस्टमर के साथ डील करना रहे तो ये डिजिटल वॉच पहन के कर सकता है, स्मार्ट वॉच पहन के कस्टमर के साथ डील कर सकता है। सर, आप हमें जो घड़ी अलग अलग टाइप के और ढूंढने की कुछ वेबसाइट या फिर कुछ रहेगा, उसका भी आप हमें बताओगे क्या? स्पोर्ट्स के दरमियान कहाँ पे हमें मिलेगा? नहीं समझ आया, फिर से पूछिए। नहीं, वो अलग अलग टाइप की घड़ी रहती है ना, हाँ वो अलग अलग जैसे जो डायलर अलग कलर का वगैरह, ऑरेंज कलर का, ये सब किधर मिलेगा? उसका भी आप कुछ लिंक हमें बताओगे क्या, कौन से वेबसाइट पे मिलेगा, किधर मिलेगा वो वो तो हमें? सर आपको ढूंढना पड़ेगा ना, वेबसाइट तो देखो अमेज़न फ्लिपकार्ट है ही या फिर सर आपके पास भी मिलता है क्या वैसे? अच्छा, नहीं, मैं वैसे नहीं देता, वैसे नहीं देता। एक आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जयपुर में एक कंपनी है जो रिस्ट वॉच कस्टमाइज बनाती है, आप जैसा बोलेंगे वैसा बना के देगा, एक ही कंपनी में इंडिया के अंदर एक ही कंपनी है, इंडिया के या पूरे वर्ल्ड में शायद ये वन ऑफ अ काइंड है जो वो बनाती है, आप जैसा बोलेंगे कस्टमाइज वॉच बना के देंगे, काफी महंगा भी है उनका, लेकिन वही है कि जो बना के देगी उसका क्वालिटी भी उस इंटरनेशनल लेवल का ही होता है, वजनदार घड़ी बनता है, अच्छा बढ़िया वाला। मुझे सिर्फ कहाँ पे पता बताई कंपनी, जयपुर में सर? जयपुर में आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, जयपुर वॉच करके ही नाम है उसका। अच्छा सर, आपने मंगवाई सर, है कभी? नहीं वहां से नहीं मंगवाई, क्योंकि उनका शुरू स्टार्टिंग प्राइस ही 50 के ऊपर। सर मेरे को बॉम्बे में पता है, बोरीवली स्टेशन के पास भी ऐसा दुकान है, वो लोग सब कुछ चेंज करके देते हैं, अंदर का बैकग्राउंड, डायल, पट्टा, छोटा छोटा अरे तब वो मैडम देते मुझे हैं भेजना ना, बहुत जरूरी है मेरे लिए, मैं सजेस्ट नहीं कर पाता, सर. मैं हाँ ऐसे ही सर, दुकान है. ढूंढ रहा था, मैंने यहाँ किसी को बताया था कि आप ये काम करो मैं बहुत सारा कस्टमर ला के दूंगा आपको, तो कह मैं रहे आपको नहीं ये पार्ट्स भेजूंगी. खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, वो दिमाग नहीं लगाना चाहता, छोड़ दे रहे ना। हाँ सर, वो लोग बैकग्राउंड चेंज मैडम करके देते हैं, वो काटा जो होता है वो भी चेंज करते हैं, और पट्टा भी चेंज करके देते हैं. उनका उनका अगर कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई देवश्री नंबर है तो जी, हाँ बताना, सबको बताना यहाँ हाँ पर। हाँ श्योर सर, मुझे भी श्योर सर, बताना, मैं बोरीवली में ही रहती हूँ. हाँ देखो, हाँ हाँ, तो स्टेशन के पास ही है. क्या नाम है? हम मैं देख के बता आपको देंगे. वापस, हाँ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट ओके. वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ईस्ट या वेस्ट वेस्ट, वेस्ट, वेरी वेस्ट गुड, SV रोड के पास। ओके. हाँ सर, और मैं ये सब भी घर से करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, अच्छा एस्ट्रोलॉजी. अच्छा अच्छा नहीं, मुझे भी ध्यान है, बोरीवली ईस्ट में है एक अच्छी सी हाँ दुकान, सर, वहां पर हाँ बस तीन चार मैकेनिक उन्होंने रखे हुए हैं, वो काम करते करेक्ट. रहते घड़ी वाला। हाँ समझ में, याद आ गया। ऑरेंज कलर ढूंढ रही थी, मुझे रास्ते से मिला. मैंने बोला क्वालिटी नहीं है, पर 1 महीना पहन कर तो देखूं, तो अच्छा काम किया. हेक्सागन था, और जैसे आपने बोला ना, आपको एयरपोर्ट से मिला और मुझे रास्ते से मिला, मतलब ठीक है, महीना 6 महीना चलेगा, पर मैं बोला चलो ट्रायल करने के लिए, एक बुरा नहीं है. थैंक ठीक है, बहुत बढ़िया, यू सर. वेलकम, शेयर करना ग्रुप में, जरूर शेयर करना उनका नंबर। श्योर सर. और किसी को कोई सवाल? नहीं, सर, कोवे सर तो ये कोर्स का 45-35 अरे लेते. कोवे सर तो पता ही नहीं क्या ही पढ़ाते हैं, आधी बात तो छुपा वो लेते हैं वो। कोर्स में भी आप जाओगे अगली ना, बार. कोर्स में भी अगर आप करोगे तो आधी बात छुपा लेंगे, वो पूरी बात बताते ही नहीं, कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं।
सर बताओ ना सर। अरे अरे करो ना आप, ऑब्जर्व तो करो। अरे यार साहब बता दोगे तो कितना मजा आएगा, ये बता दोगे फिर आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है, ऑब्जर्वेशन से ही सीख सीख के ये कोर्स डिजाइन किया। किसने मतलब कोर्स ये निर्माण किया है एक्चुअली, कौन इसका फाउंडर वगैरह कुछ रहेगा ना? देखो ये सबसे पहले शुरू हुआ था जर्मनी में, सबसे पहले जर्मनी में एक ऐसा वो बना था जो मैं रिस्ट वॉच बनाने वाला, जो ब्लाइंड था आंखों से, आंखें नहीं थी उसकी, ठीक है। वो सिर्फ टच से ही कौन सा गियर कहाँ पे लगेगा वो वैसा ही उसको समझ में आया था, मतलब वैसे ही पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके फादर जो थे वो वॉच मेकर थे, तो बाय डिफॉल्ट वो अंधा पैदा होता है, आंखों के बिना ही पैदा होता है। अपने फादर के काम को देख देख के, छू छू के, टच करके, फील करके घड़ी बनाता है, और बहुत अच्छा बनाता है। तो उसने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो उल्टा चलती थी, काउंट डाउन, मतलब बड़ी घड़ियां तो बनाता ही था जो प्लेटफॉर्म में यूज होता था बड़ा, जो रोमन नंबर वाला, वैसे बड़े बड़े गियर्स वाले जो चर्च में या घंटा घर जो होता है ऊंचाई वाला, वहां पर बड़े बड़े घर का डिजाइन उसने किया। लेकिन उसने एक ऐसा ऐसी घड़ी बनाई जो उल्टा चलता था समय के विपरीत, ठीक है, जस्ट फॉर जस्ट टू क्यूरियोसिटी के लिए कि वो किस तरह से काम करता है। उसने एक उल्टा घड़ी बनाकर आप अपने पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं, लेकिन उस पूरे टॉपिक को ही ना, क्योंकि एक्चुअली उस इंसान का मकसद था कि टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल, और इस चीज को किया जा सकता है उस मैकेनिज्म को समझने में। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिमाग के साथ आता है तो उसकी कोई ना कोई एक इंद्रिय खराब होती है, तो उसका उसकी आंखें नहीं थी, तो उसको कहीं से फंड मिला नहीं इस चीज को समझने के लिए कि उल्टी घड़ी चले तो उसका क्या इफेक्ट है। तो वो पूरी चीज जो ना दबी रह गई, मतलब वो इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ, मीडिया पे कोई चर्चा नहीं हुई, तो उन्होंने सबको सबको वो कर दिया, सप्रेस करके कहीं छुपा दिया। लेकिन ये शुरू हुआ था सबसे पहले जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में होने के बाद इंडिया में कुबे सर ही लेके आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनकी इनकी जो शुरुआत है वो जर्मनी के एक ऐसे कह लो कि वॉच आर्टिस्ट से हुआ है, जिसने ये सारी चीजों को ना बहुत माइन्यूटली चेक किया है, समझा है। बोलो, और किसी को कोई सवाल? जो कोर्स है सर अच्छे उनका से नाम कोर्स पता है जर्मनी के जो थे? अच्छा मैं आपको भेज दूंगा, वो बड़ा ही उनका अजीब सा ही तो नाम होता है, उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन वैसा होता है, मैं भेज दूंगा ढूंढ के निकाल के ओके बताऊंगा। ओके सर, ये जो कोर्स का एक्सेस है 2 मंथ के लिए रहेगा हम लोगों के पास? नहीं, 2 इयर्स के लिए, 2 साल का एक्सेस है। 2 मंथ तो कोर्स का ड्यूरेशन है। और कोई सवाल किसी को? कुछ नहीं पूछना, चलो ठीक है। अंशुल जी कुछ सर कहना डेज चाहती हैं, बोलिए फाइनल आप। हुए हैं? डेज 3rd of August से शुरू हो रहा है, 3rd of August से, मतलब वीकली कौन से डे पे रहेगा? सैटरडेज एंड संडेज 2 बजे से। 2 बजे? ओके और भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखिए यहाँ पे चैट बॉक्स में मोर इन्फॉर्मेशन में 2 नंबर दिए हुए, आप डायरेक्टली इस पे डायल करके पूछ सकते हैं। तो कितने लोग आ सर, रहे हैं भाई, तो ब्लास्टर कंफर्मेशन तो दे दो कम से कम कि इतने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, सब सर अपना मुझे अपना आना हाथ है, दिखा दो, बट सब अपना टाइमिंग क्लिक कर दो। जरा सैटरडे संडे टाइमिंग देखिए थोड़ा चेंज किए, 2 से 4 है ना, उसको संडे को ले चेंज लो ना, कीजिए ना सर। अच्छा वही स्लॉट खाली है हमारे पास, ये दूसरे स्लॉट कहीं से रवि सर, लोगे? एक सेंट कुछ कहना चाहूँ सर। मैंने एक्चुअली मैं सडनली अभी यूरो का फोर्ब्स सर्विस सेंटर वाले आए हुए हैं, तो आपके वेबिनार को सर मैंने मिस कर दिया काफी कुछ सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ अभी मिलेंगे जो वर्किंग में है मिलेंगे सर, मिलेंगे। इसका सर कभी स्टार्ट हो रहा है सर क्लासेस? 3rd of August 3rd of अगस्त सर, टाइमिंग क्या रहेगा? 2 से 4 आफ्टरनून सर। सर सैटरडे संडे। हाँ अगर ये नाइट टाइम, सैटरडे ये नाइट टाइम नहीं हो सकता क्या? नाइट टाइम में हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे क्लासेस हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड है सर अभी। सैटरडे भी हमारा वर्किंग टाइम रहता है, तो हाँ रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाएगी ना सर नेक्स्ट डे? हाँ नेक्स्ट हाँ डे नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ओके सर, ओके। संडे के दिन आप रिकॉर्डिंग दिन सुबह के टाइम पे सुन लेना, और दोपहर को 2 बजे से 4 बजे का संडे वाला डायरेक्ट लाइव में आ जाना, और क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो कोई उसमें दिक्कत डाउट भी नहीं। आपका क्लियर हो जाएगा सैटरडे वाला। ओके ओके सर। सर, सर मैं और तो मैं तो इसके एक्स्ट्रा ही मेंबर पढ़ा हूँ, देता हूँ, स्पीकर डिटेल मैं वगैरह दो सब दो व्हाट्सएप में घंटे आ से जाएंगे ज्यादा ही क्या पढ़ा देता हूँ कई बार सर? डाउट्स कोर्स क्लियर स्पीकर करके। डिटेल वगैरह सब व्हाट्सएप में भी आ जाएंगे?
हाँ व्हाट्सएप में भी आ जाएगा, हमारे ग्रुप में ही आ जाएगा, और नहीं तो ये नंबर जो दिया हुआ ना आपको, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, मैं नीचे अच्छा मैं नोट डाउन कर अभी मैं लेता शो आउट शो कर लेता हूँ। हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ। जी इतनी सारी थी, इन दोनों ने मिलके पूरी खा ली, लौकी थी। नहीं अरे भाई कौन लौकी की सब्जी खा रहे ये नाइन 11 9 5 1 9 ओके सर, है सेवन नंबर। 2 55 2 3 0 1 ओके सर, उसको नोट डाउन कर लिया सर मैंने। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, इसी नंबर में कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जी थैंक यू सर। और जो पेमेंट डिटेल है वो ये वाला है, सर कौन ये सा है, अकाउंट फॉर नंबर। एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट ये है, एंड हाँ देन फॉर न्यू पार्टिसिपेंट आफ्टर यस डिस्काउंट 4 to 1 4 ओके सर। हाँ, सर ये कितने डेज की क्लास है सर? ओके ये टोटल जो है 2 महीने का, 2 महीने में तो सैटरडे संडे का ही होगा, तो ओके 8 और 8 16 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस डाउट्स क्लियर करने के लिए होंगे। नॉर्मली पहला जो मंथ है वो ज़्यादा क्रुशियल है, कि इसमें सारी टेक्निकल बातें हम पहले मंथ में, मतलब टोटल 8 क्लासों में सीखेंगे। ठीक जी। है, तो कोशिश जितना करें कि लाइव ही आ सके। हाँ ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट मतलब क्या? जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑल दूसरे कोर्स कर रहे हैं, जो ओके बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए ऊपर वाला रेट है, और जो पुराने हैं उनके लिए ये रेट, जो मैं हमारे मेरा गुरुजी कोर्स ज्ञान करा हुआ एकेडमी है में है। सर, मेरा कोर्स करा हुआ है लामा फेरा का, तब मैं मेंबर हूँ ना इसकी। ठीक हाँ हो जाएगा आपको इससे कम वाले में। हाँ ओके ओके थैंक यू सर। सर और इसके बाद कुछ एडवांस भी रहेगा क्या 2 महीने के बाद? 2 महीने के बाद एडवांस कोर्स अगर मैं डिजाइन कर दिया, और कुछ कुछ दिमाग में चल रहे हैं, अगर वो हो गया तो करेंगे उसमें। उसमें आप लोगों का भी अपना अपना ऑब्जर्वेशन रहेगा, मेरा तो रहेगा ही, आप लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो भी करेंगे, अगर कुछ ऐसा निकल के आता है। फिलहाल तो पहले ये वाला कर लो, वॉच रिस्ट वॉच एनालिसिस। लिख लिया, देख लिया आप लोगों ने, ये अकाउंट नंबर है, इसमें भी हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर सीधा जो डिस्काउंट वाला नंबर है वही हम लोग पेमेंट करें ना सर? डिस्काउंट वाला नंबर में ही पेमेंट कर, हाँ क्योंकि उसमें मेरा नाम तो आ ही जाएगा, सूरज ओसवाल। ठीक आ जाएगा। है सर, ओके सर। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर एक डाउट पूछूं सर हाँ लास्ट, पूछे ना, मैं तो बैठा हूँ डाउट के लिए, पूछे पूछे। सर अष्टम भाव में अगर गुरु है तो अरे गुरु का नहीं, सजा? रिस्ट वॉच में क्या अष्टम भाव के गुरु को लेगा। ठीक है अच्छा पूछ अच्छा लो ओके पूछ लो फाइन। पूछ लो पूछ लो पूछ गोल्डन लो कलर, पूछ मैं बोला गोल्डन कलर पहने या ना करे गुरु के लिए लो। अष्टम भाव में गुरु एस्ट्रोलॉजी। बैठा है, अगर वो अकल्ट हाँ से जुड़ा है तो पहन सकता है, अगर अकल्ट से नहीं जुड़ा है तो ना पहने कोई गोल्डन कलर। करेक्ट, गॉट इट सर, थैंक यू। जी थैंक यू मिथुन जी, थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच, आपका वेबिनार रहा है, बहुत थैंक मजा यू थैंक आया। यू। और मैं तो सभी को बोलूंगी, रिकमेंड यही करूंगी कि आप लोग कीजिए, बिकॉज ये कोर्स मैंने थोड़ा सा किया हुआ है और मैं अब दोबारा मिथुन जी आपसे वापस करूंगी इसको, बिकॉज चलो देखिए चलो नॉलेज हर गुरु की एक अलग होती है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और आपकी जो नॉलेज है वो एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों को मिला के जो आएगी इसके साथ, वो एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगी रिस्ट वॉच एनालिसिस को, राइट? तो जैसे राइट। वो बीच में आप देख रहे हैं वो प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में भी बता रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सबको मिथुन जी से सीखने को मिलेंगी, बिकॉज ही इज अ गिवर, वो अपने यस तक नहीं रखते, नहीं, मुझे बहुत मजा आता है, जितना ज्यादा नॉलेज गेन किया ना उसको बांटो, जितना बांटोगे उसको दे। तो वो ये हम, बूमरैंग होके डबल में आता है, वो वापस हाँ आता है क्योंकि फिर। हम काफी अच्छे दोस्त भी हैं और हम लोग काफी मतलब बातें भी करते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर। सो मेरा पर्सनल व्यू यही है, जो लोग आप लोग अगर वो करते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, एंड इट विल रियली मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, अच्छा आप खुद यहाँ पर की, आपके अपनी पास फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप डिफरेंस पता है, क्रिएट कर सकते हैं। राइट राइट राइट। हाँ जी अगर बोल। आप लोगों में से जो जो इंटरेस्टेड है अपना हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। डॉक्टर सीमा जी कहती है, दिया जी कह रही है कि आपने नक्षत्र क्लास बहुत अच्छा था, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसने लिखा है, मोनिका जी ने, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मैं कह रहा हूँ कि वो एडिशनल बेनिफिट है, अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपको हिंदी समझ में आती है ना, इंग्लिश समझ में आती है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो, बस इतना इजी है। ठीक है।
और किसी को कोई सवाल है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। जरूर आइए, बहुत मजा आने वाला है, नई चीज है, नई सीख है, कई लोगों ने शायद किसी और से भी किया हो, लेकिन यहाँ एस्ट्रोलॉजी का जो तड़का लगने वाला है ना, उसमें और भी ज्यादा कहते नहीं, मजा आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पुराने जितने स्टूडेंट्स हैं वो तो आ ही रहे, मुझे पता है, पक्की बात है, जिसमें प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी मुझे दिख रही है, अकीर्ति जी हैं, और कौन कौन है इसमें, कई सारे नए भी हैं, डॉक्टर सीमा जी भी हैं, हाँ, अरे पुष्पा जी भी है, देखिए शशि राठी, शशि राठी जी आप नहीं है ना यार इस कोर्स में, सुनीता सिंह भी हैं, आशा जी भी हैं, पुराने स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, पुराने स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं इसमें, पक्की बात, नए स्टूडेंट्स का थोड़ा सा समझ लो आप, क्योंकि ये ऐसा नॉलेज है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो रिस्ट वॉच देख कर भी आप लोगों के लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहले जो भी आप सीखोगे, राजेंद्र जी भी है, जो भी आप सीखोगे सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो वो तो काम होना ही है, तो जब अपना अलाइनमेंट पक्का हो गया तो फिर आप धीरे धीरे दूसरों का भी अलाइनमेंट करने लग जाए, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना जो अकल से जुड़े हुए हैं, तो समझ लो कि आपको स्पेशली भगवान ने भेजा है दूसरों की हेल्प करने के लिए। पहला हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, होना क्या चाहिए, अकल्ट नॉलेज ही कैसी है, वो आपको चुनती है, आप अकल्ट को नहीं चुनते, अकल्ट आपको स्पेशली इसलिए चुनती है क्योंकि अकल्ट ने आपको बनाया है सबको देने के लिए, गिविंग के लिए, तो अगर आप जितना गिवर होंगे तो बाकी का प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व होगा, क्योंकि आप नेचर का, प्रकृति का काम कर रहे होते हैं, जब जितना आप प्रकृति का काम कर रहे होते हैं उनके काम को आप अपने माध्यम से कर रहे होते हैं, तो आपका प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व होता है, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं देना होता, क्योंकि भगवान ने सिर्फ आपको देने के लिए भेजा है, लेना तो वो बात की बात है। ठीक है, तो सर एक आज के लास्ट क्वेश्चन लिए, था। हाँ हाँ पूछिए। हाँ सर, सर आप जो कलर की बात कर रहे थे, वो कलर डायलर का कलर की जो बैंक का कलर रहता है उसके बारे में दोनों बात कर रहे दोनों थे। बहुत बहुत काम ओके करता है, सर, अलग अलग डायल ओके सर, के कलर का अलग मीनिंग है, बेल्ट के कलर का अलग मीनिंग। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत सारे नए लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप लोग थैंक जल्दी यू से सर, जल्दी जुड़िए, बहुत मजा आएगा इस कोर्स को करने। ठीक थैंक यू सो मच सर। है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आत्मा नमस्ते।